नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F22 वर्सेस Samsung Galaxy F41 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F22 में 6.3 इंच जबकि Galaxy F41 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy F22 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F22 में 2.91 इंच जबकि Galaxy F41 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F22 में 0.37 इंच जबकि Galaxy F41 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F22 में 203 ग्राम जबकि Galaxy F41 में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy F22 में 20:9 जबकि Galaxy F41 में 19:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy F22 में 720x1600 और Galaxy F41 में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F22 में 83.52% जबकि Galaxy F41 में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy F41 में 403 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy F41 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy F22 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy F41 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy F22 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy F41 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F22 में Mali-G52MC2 जबकि Galaxy F41 में Mali-G72MP3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F22 में MediaTek Helio G80 और Galaxy F41 में Samsung Exynos 9 Octa 9611 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F22 में 4 GB जबकि Galaxy F41 में 6 GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64 GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy F22 में अप टू 1 TB जबकि Galaxy F41 में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy F22 में Android V11 जबकि Galaxy F41 में Android V10Q देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
गैलेक्सी F22 में दो कलर्स जबकि गैलेक्सी F41 में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी F22 की 12,499 रुपीस जबकि गैलेक्सी F41 की 15,499 रुपीस प्राइस है, जो कि गैलेक्सी F22 से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में गैलेक्सी F41 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में गैलेक्सी F22 आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco M3 Pro 5G है जो कि 15,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Nokia G20 है जो कि 14,290 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Ulefone Armor 8 Pro है जो कि 26,500 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।